हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना आर्ट एंड लाइफस्टाइल। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ DIYs जिसमें हम कुछ कबाड़ का भी यूज़ करेंगे और कुछ पुरानी चीज़ों को भी नया लुक देंगे। तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हर घर में ऐसा होता है ना कि कई होम डेकोर आइटम्स ऐसी होती है जो कई पुरानी हो चुकी हो, उसे देखकर ऐसा लगता है कि चलो इसे नया लुक देते हैं। तो इसी तरह से मेरे पास भी एक पुराना वुड का वास पड़ा था, तो चलिए इसी को नया लुक दे देते हैं। उसके लिए मेरे पास जो भी था उसी से हम डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर मैंने नाड़ा लिया है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल भी है। कोई मैक्रम थ्रेड या आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो इसको हम ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पुराना वास लिया है, इसके बदले आप कोई ग्लास का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे कवर कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे और ग्लू गन की हेल्प से ही थ्रेड को स्टिक कर लेंगे। इसके बदले आप फेविकोल का भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ व्हाइट लेस मेरे पास थी तो उसको भी हम ऊपर और नीचे की ओर स्टिक कर लेंगे। अब कुछ गोल्डन फ्लावर थे तो उसको भी हम स्टिक कर लेंगे। आपके पास जो भी लेस या मटेरियल्स हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम DIY कंप्लीट करेंगे। ओके, तो रेडी है हमारा नया वास। इसमें आप कोई फ्लावर्स या इसमें इस तरह से ग्रीन लीव्स से भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये भी हमने DIY ही किया है। इसका वीडियो मैंने जस्ट आगे ही शेयर किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। हमारे घर में फर्नीचर बनाने का काम चल रहा था तो इस तरह से कई सारे लकड़ी के टुकड़े निकले थे, तो मेरे लिए तो ये एक खजाना ही है। तो चलिए इसी कबाड़ से कुछ जुगाड़ करते हैं। तो इसमें से मैंने एक प्लाई का टुकड़ा लिया है। इससे मंदिर के लिए एक छोटी सी चौकी जैसा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने लिए है कुछ ग्लास मिरर्स। अलग अलग शेप के मिरर्स हम ग्लू की हेल्प से स्टिक करते जाएंगे। ये जो प्लाई की साइज है ना, वो मेरे मंदिर के आगे का जो पार्ट है उसी साइज की है। तो उसी के हिसाब से मैंने उसी टाइम पे कारपेंटर से कट भी करवा ली थी। तो जैसे भी आपको डिजाइन अच्छी लगे वैसे आप मिरर से स्टिक कर ले। लकड़ी के बचे हुए टुकड़े से अगर आप कोई भी चीज बनाने की सोचते हैं ना, तो वो आप उसी टाइम पे कटिंग वगैरह सब कर ले जब आपके घर में उसी का वर्क चल रहा हो। तो क्या है ना, बाद में आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और बाहर आपको कटिंग करवाने जाना भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने भी उसी टाइम पे कई सारे DIY सोच के रखे थे और कटिंग भी करवा लिए थे ताकि बाद में ये सारे DIY आपसे शेयर कर सकूं। अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मोज़ेक आर्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो मिरर्स का यूज करके हम कुछ ऐसा ट्राई करने वाले हैं। इसके लिए हम लेंगे वॉल पुट्टी और कुछ एक्रेलिक कलर्स। जो भी आपको कलर का शेड चाहिए उस तरीके के कलर्स। अब इसमें ऐड करेंगे फेविकोल। अब जरूरत के हिसाब से पानी ऐड करके कुछ इस तरह की पेस्ट रेडी कर लेंगे। टूथपेस्ट की जितनी थिकनेस होती है उसी टाइप की हम ये पेस्ट रखेंगे। अब यहाँ पर सरफेस को स्मूथ करने के लिए मैंने आयरन की प्लेट ली है जो वॉल पे यूज की जाती है। इसके बदले आप कोई कार्ड या कोई स्केल का भी यूज कर सकते हैं। तो पेस्ट डाल के इस तरह से सरफेस को इवन करते जाएंगे। ये
गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करें, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। अब इसे एक दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद वेट कपड़े से मिरर्स को क्लीन कर लेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर कंप्लीट होने के बाद बहुत प्यारा दिखता है। तो इसी तरह से सारे मिरर्स को हम क्लीन कर लेंगे। नेक्स्ट सैंड पेपर से सरफेस को थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। अब ये चारों साइड पे हम एक्रेलिक कलर से पेंट कर लेंगे ताकि थोड़ा ज्यादा अच्छा लुक आए। अब इस तरह से लेग भी मैंने कट करवा लिए थे तो इसको भी हम पेंट कर लेंगे। अब इसे स्टिक कर लेंगे। यहाँ जो फेविकोल यूज किया है वो फर्नीचर के टाइम पे जो बच जाता है वो ही मैंने इस बोतल में भर लिया था, तो ये अच्छे से स्टिक भी हो जाएंगे। तो अब ये DIY मैंने कबाड़ से ही बना लिया। अब मंदिर में जो थोड़ा पेंट करना था वो पहले ही कर लिया था और पर्दे झूमर सब बना के लगा दिया था। ये DIY मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मंदिर के लिए चौकी भी रेडी है, तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो कुछ पुरानी मिट्टी की मटकियाँ पड़ी थी तो इसको थोड़ा न्यू लुक दे देते हैं और होम डेकोर में यूज करते हैं। इसके लिए फर्स्ट गोल्डन कलर से आउटलाइन दे देंगे। मटकी का जो नेचुरल कलर है वो भी हम रखेंगे, तो हाफ मटकी को ही हम पेंट करेंगे। तो कई टाइम से सोच रही थी कि चौक पेंट कलर बनाना है, तो इसमें मैंने सोचा ये ट्राई करते हैं। तो मटकी को पेंट करने के लिए चौक पेंट कलर बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है टैल्क पाउडर, बेबी पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसमें व्हाइट एक्रेलिक कलर और जिस भी कलर का आपको चौक पेंट बनाना है वो कलर ले ले। मैंने रेड लिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो चौक पेंट कलर रेडी है। चौक पेंट मैट फिनिश में होता है तो लुक भी अच्छा आता है। तो इसी से हम मटकी को पेंट कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस से ग्रीन चौक पेंट कलर भी बना लेंगे और मटकी का हाफ पार्ट भी पेंट कर लेंगे। अब गोल्ड 3D लाइनर से सेंटर में डॉट बना लेंगे। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब कुछ यार्न थ्रेड, कुछ बीड्स और कोरी का यूज करके इसे डेकोरेट कर लेंगे। जैसे कि वीडियो में दिख रहा है वैसे ही सबको हैंग कर लेंगे। तो रेडी है हमारा मटकी डेकोरेशन। तो अलग अलग तरीकों से आप इसे कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। तीनों में से कौन सा DIY आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। मिलते हैं न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।